अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में मैंने तो मैंगो काटे हैं, मैं हूँ और साथ कज़न्स भी हैं, तो सब मैंगो ही खा लेंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसा समझ भी नहीं आता। मिल्क शेक बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था और पीने को भी नहीं कर रहा था, तो फिर हमने मैंगो ही काट लिए। आजकल मैंगो का सीज़न है, बहुत अच्छे मैंगो आए हुए हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ मैंगो ही मैंगो नज़र आते हैं, रेहड़ियों पे भी और शॉप्स पे भी सारे मैंगो ही होते हैं और मुझे पसंद भी है। मुझे फ्रूट में ज़्यादा मैंगो ही पसंद है। और आज मैंने जाना है एक शादी पर, मेरी फ्रेंड है उसके भाई की शादी है तो उधर जाना है हमने। मैंने आज मेहंदी है, कल बारात और परसों वलीमा, तो आज मेहंदी पे वहाँ जाना है। अभी नाश्ता करती हूँ और फिर वहाँ जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उसने बोला था जल्दी आना और उसको मैंने तैयार भी करना है। वो जो मेरी फ्रेंड है उसको तैयार करना है और कह रही थी कि तुम ना हमेशा लेट आती हो तो इस दफ़ा जल्दी आना, सारे फंक्शन जो है वो तुम्हारे सामने ही होगा। और ये जी मैंने मेकअप सारा रखा हुआ है, मैं ये सही से रख रही थी बैग में कि जो साथ लेके जाना है तैयार करने के लिए, और खुद भी साथ साथ मैं तैयार हो रही हूँ। यहाँ पे ट्राईपोड रखा हुआ है, मैंने एक मिरर रखा हुआ है सामने तैयार होने के लिए, वीडियो बनाने के लिए यह ट्राईपोड रखा हुआ था मैंने। तो अभी बस मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और ये मैं हूँ। तो मैंने बस सिंपल सा लोन का सूट पहना है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने जाते। तो अभी ये जो सामान है ये मैं रख रही हूँ, ये जो पिंस है ना ये तो मैं ले लेके थक गई हूँ और ये तो ख़त्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जाती हैं। वैसे भी अगर घर में रखो तब भी नीचे पड़ी हुई होती हैं, फर्श पे मिलेंगी, एक एक कहीं दूर दूर जाके पड़ी हुई होगी, तो इस तरह से सारी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने सामान वगैरह सारा रख लिया है और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैंने लॉन का सूट पहना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉन का सूट है, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं। मुझसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, ये जो नए सूट पहन लो ना लॉन के, इनमें भी इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और अगर दूसरे पहने तो फिर तो फैंसी पहन लें फिर तो बाय। और यहाँ पे पीछे जो है इतना भी ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ ये लोग पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए, तो बस सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, साथ लेके जाएंगे। तो अभी बस हमारा भी रक्षा आने वाला है, हम रक्षा में जाएंगे, इस गाँव में नहीं है, साथ दूसरा गांव है, वहाँ पे जाने का रास्ता काफ़ी लंबा है, पैदल नहीं जा सकते इसीलिए रिक्शे वगैरह पे जाएंगे। तो अभी बस वहाँ जाने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा रिक्शा आ जाए। कितने रिक्शे वालों को फ़ोन किया है, कोई आ ही नहीं रहा, पता नहीं किस टाइम आएगा और हम जाएंगे। तो जी वहाँ से मैं वापस आ गई और देखा आपने कितने जल्दी वापस आई हूँ। अभी मैं आपसे कह रही थी रिक्शा नहीं आया और अभी मैं वापस भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे गंदम साफ़ हो रही है, थोड़ी सी रहती थी तो ये गंदम साफ़ करवा रहे हैं और साथ साथ शाम की चाय भी चल रही है। मैं वहाँ से वापस आके फ्रेश वगैरह हुई हूँ और अभी चाय बनी हुई थी, मैंने कहा मैं भी पीऊँगी चाय। मैं जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि उनका फंक्शन तो रात पूरी रात ही चलना था, लेकिन हम लोग वो जो लड़की के घर मेहंदी लेके गए थे वहाँ पे गई, फिर वो लड़के वाले आते गाना बांधने के लिए, लड़की वाले लड़के को आते, फिर कह रही थी हम खुद करेंगे सारा फंक्शन, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं तो जाती हूँ घर। मेरे सर में भी इतना सा दर्द हो रहा था, मैंने कहा मुझसे नहीं बैठा जाएगा, पूरी रात कौन बैठे, तो इसीलिए फिर मैं घर आ गई थी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हेयर रखती है। हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम हुआ, इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई एक होता है ना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उनमें से वो है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो और हेल्प भी बहुत ज़्यादा करती है। तो बस ये गंदम साफ़ हो चुकी है और साथ ये जो टप पड़ा हुआ है ना इसमें डालनी है, यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ। मैंने कहा एक दफ़ा ये जो परात पड़ी हुई है इनको उसके पास ले जाते हैं और वहाँ से आसानी से हम ऊपर कर लेंगे। ये इस तरह से यहाँ से बर्तन भर भर के वहाँ पे लेके जाओ तो मुश्किल होता है। और यहाँ पे कज़न खड़ी होगी ऊपर और डालेगी, वो डाल ली और वो जो उस कमरे में मैंने आपको दिखाया था ना, वो नीचे सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो सारे यहाँ पे ऊपर रख रहे हैं सेट करके, ताकि फिर नीचे पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है घर में बंदा ना हो, आगे पीछे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर सारे ऊपर रख रहे हैं। और साथ ही पिज़्ज़ा आया हुआ है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो हम लोग अभी पिज़्ज़ा खाएँगे
और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को, और खाना भी नहीं खाया था, श्वेती से खाया था और फिर शाम में चाय पिए थे, उसके बाद खाना ही नहीं खाया। अभी इतनी ज़्यादा भूख तो कोई नहीं, हल्की फुल्की भूख थी, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, वो पिज़्ज़ा खा लिया। और अभी दूसरे दिन सुबह मैं नाश्ता कर रही हूँ आज तरबूज के साथ, कल मैंगो के साथ किया था, आज तरबूज खा रही हूँ। अच्छा, सुबह नाश्ते में अगर तरबूज ले लेना तो पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है। और इसके बाद जी आज है बारात, मैंने बारात पे जाना है, और आज भी मैं ये लॉन का ही सूट पहन के जाऊँगी। तो ये वाला सूट है लॉन का, सिंपल सा सूट है इसका, इस तरह से गला बना हुआ है और बाजू पर हल्का से ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, और ये इसके साथ रेशमी दुपट्टा है, दुपट्टे के साथ भी लेस लगी हुई है। तो ये सूट अभी मैं पहनती हूँ और उसके बाद हम जाते हैं आज बारात पे। आज भी मैं सोच रही हूँ जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन आज बारात है तो मुश्किल ही है कि जल्दी आऊँ, क्योंकि 3 बजे का कह रहे हैं कि बारात है तो फिर शाम तो हो ही जाएंगी। और अभी हम लोग आए, और ये है जी दुल्हन का कमरा, यहाँ पर सब तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा आपको मैं दुल्हन का कमरा थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सेज वगैरह तो अभी नहीं बनी, छोटा सा कमरा है लेकिन बहुत प्यारा है। ये बेड पड़ा हुआ है, साथ में साइड टेबल ऊपर नीचे रखे हुए हैं क्योंकि जगह कम है, और बर्तन जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते इस तरह से बर्तन, लेकिन हर हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, क्या कह सकते हैं। तो ये उनके बर्तन वगैरह उन्होंने ऊपर लटकाए हुए हैं अलमारी में, और मैं आपको पिछली साइड पर भी दिखाती हूँ, इधर भी सारे बर्तन हैं। ये सोफ़ा पड़ा हुआ है और ऊपर सारे बर्तन ही बर्तन हैं। कमरा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा है कमरा, सिर्फ ये बर्तन थोड़े से कम होते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे जी ये भी टेबल ऊपर नीचे रखे हुए हैं क्योंकि कमरे में स्पेस बहुत कम है, और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, साथ साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड यहाँ पे तैयार हो रही थी तो वो अभी बाहर गई, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग ही बना लूँ, रूम दिखा दूँ दुल्हन का, और मैं यहाँ पे जी चिप्स वगैरह खा रही हूँ बैठ के। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।